बाय बाय पीस बाय होप। हेलो एवरीबॉडी, ये मेरा दूसरा ट्रिप है। आज सैटरडे है और मैं जा रही हूँ इस वक्त मंदिर। होप आपको खाना मिल चुका है। सी यू सम टाइम। सी यू बेबी। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं मूवी देखने और मेरी मूवी डेट कौन है वो भी देख लीजिए। लेकिन फिलहाल मैं जा रही हूँ मॉल में, पहले टिकट भी खरीदना है और कुछ विंडो शॉपिंग भी कर लेते हैं। चलिए इसीलिए मैंने ये ले रखा है, वैसे गर्मी बहुत है बाहर पर, थिएटर के अंदर ठंड भी लग सकती है, राइट। तो हम देखने जा रहे हैं रॉकी और रानी की लव स्टोरी टाइप। हाँ ऐसे ही मुझे नहीं लगा। चलिए इन्फिनिटी मॉल ले जाती हूँ आपको, थोड़ी विंडो शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग का ना प्लानिंग है और ना बजट है। ओके मिलते हैं। कॉर्नर के देना बेटा, फॉर मी एंड माय डॉटर। मैम K12। हाँ मैम कॉन्टेक्ट। अकेले है सर वो? अकेले ही। तो ये टिकट हमारी हो गई है, ये SMS के द्वारा ही आती है। और देखो कितना अच्छा डॉगी था यहाँ पे। तो फ्रेंड्स टिकट तो हो गई है, आजकल टिकट SMS से आती है। तो अब जाते हैं मॉल में, देखते क्या क्या मिल रहा है, कहाँ कहाँ। मैंने बोल तो बेसिकली अभी मैं थर्ड फ्लोर पे बैठी हूँ। नो सॉरी, आई एम ऑन द सेकेंड लेवल। यहाँ पैंटलून है, यहाँ भी बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। सामने हस्तकला शिल्प है, यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ। और पीछे है अंग्रेजी पटियाला बार। इट्स अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट, यहाँ पे लाइव म्यूजिक भी बजता है। आई एम वेटिंग फॉर माय मूवी डे। टिल देन बाय बाय। माय डे इज लेट, तो मैं जा रही हूँ।
I'm waiting and listening. That's my movie date. Yeah. Arriving so late. Was my sorry, Akka. Wow. That's it, girl. After years, I think. After lockdown, people are charged. So nice, my soul. Such a good day. And we live half our lives here only at PVR. Every weekend, so bad. What did you say? Just a good weekend. Every weekend we literally live here. And Amrita literally grew up all weekends here at PVR. We have said Charman. My movie date, my dear daughter. Okay, bye. पैसे तुम देने वाली हो? ओह माय गॉड, क्या क्या खा रहे हैं हम? व्हाट इज देयर इन द मेन्यू? यू वांट नाचोस? नहीं, क्या खा रहे हैं हम अभी? चीज पॉपकॉर्न. बोलो ना क्या खा रहे हैं? चीज पॉपकॉर्न. और पानी चाहिए मुझे. पानी. और तुम बटर? नो, समथिंग कैरेमल एंड चीज. बहुत मतलब हम नहीं सुधरेंगे आज मेरे डाइट की. बेस्ट ऑफ बोथ. यस यस, वी नीड समथिंग एल्स फॉर यू टू ईट दिस शो देम. So guys, this is the gaming zone of Infinity Mall, Andheri West, and this is the merry-go-round. हम वो पहली बार आई थी तो इस पर गिरी थी और अपने दांत अपने होंठ में गिरा के एकदम लहूलुहान कर दिया था इस merry-go-round को. अभी वो लू गई है. ये देखिए, ओह गॉड, कितनी देर हम लोग यही सब खेलते रहते थे. एंड दिस स्पेशली remember this game. इस पे तो मैं भी बैठी. I'm waiting for my daughter. She's gone to the washroom. तो ये है वो मॉल, ये गेमिंग जोन. ये मॉल जब ओपन हुआ था अम्मो बहुत छोटी थी, तब से हम यही आते थे और आज अम्मो मेरे साथ है. एंड अम्मो इज 22. Wow. Time really flies. क्या जाना है? कहा जाना है? खेलने को आ रहा है. इतना सारा है, इतना सारा है. अभी कार्ड तो हमने लिया है. ये हम वो एकदम छोटी सी बेबी थी ना. डाम 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 डाम.
मारो ये लो। हाउ वाज द मूवी अमो? और अब वो ये देखो गेम की दीवानी और ये है वो मेरी गो राउंड हिस्टोरिक। हाँ हिंदी बोला मारे शिवम भैया लेकर गया था and my blood in my hand and it's now you're 22 तब तुझे ज़्यादा बोलना भी नहीं आ रहा था डेढ़ दो साल की 20 साल पहले खुला था गेम हॉल and they've not changed the carousel yes that's the craziest thing yes ये देखो so many rides they've changed the location of the rides they've yes. not changed the carousel मूवी कैसी लगी अमीज़ और मम्मा कैसे लगी बेस्ट तो आप चले चलो 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 but Amu wanted something to mine so here is a masala peanut jisme masala lemon hai aur ye aisa lag raha hai unko jaise ki ice cream ka glass hai so she's saying ye masala peanut ice cream hai enjoy मॉर्निंग फ्रेंड्स सो आजकल ये लूना है हमारी मेरी डॉटर की कैट और ये है बेलीला और होप तो आपको पता है और पीस खाना खा रहे हैं तो होप और अमू की कैट्स आजकल मेरे पास है ये देखिए पता नहीं क्या देख रही है खिड़की के बाहर अमेजोन पार्सल्स तो बहुत आए थे पर कल कुछ आया था और कल मैं थी नहीं आपने तो देख ही लिया होगा कल मैं स्पेशल डेट पे गई थी
तो आजकल बड़ा चेंज हो गया ना, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये है व्हाइट चंदन और ये है येलो चंदन का टीका। आई लाइक टू पुट इट, यहाँ पे आज्ञा चक्र पे लगाना चाहिए। आज्ञा चक्र ही आपको अवेयरनेस भी देता है, इंट्यूशन का भी पॉइंट है, और आपको अगर अवेयर नहीं है तो एंगर भी दे सकता है। तो यहाँ चंदन लगाने से चंदन ठंडा होता है, राइट? इट इज साइंटिफिक, व्हेन यू पुट इट हियर यू फील कामर, योर ऑरा इज क्लेंज्ड, ऑरा इज क्लेंज्ड एंड यू लुक नाइस एंड यू फील नाइस, राइट? तो ये रहा मेरा, ये कुछ ऐसे वो कंसेशन में ज़्यादा दे देते हैं, 150 रुपये में इतने सारे आ गए, तो जो लोग को चाहिए उनको भी। हमारे यहाँ कैट्स एंड डॉग्स लिव वेरी पीसफुली। लूना अब यहाँ आ गई, नहीं नॉट ऑन माई कॉफी प्लीज। बिलीला तो किसके लिए टॉय? पप्पू इज इट फॉर मी, इज इट फॉर मी? सॉरी गाइस, तो ब्लॉग मैंने वेंसडे को, हाँ वेंसडे को शुरू किया था, कल थर्सडे था, फिल्म देखी हमने और अब है फ्राइडे मॉर्निंग। सबका करना पड़ता है, कैट्स को दो, डॉग्स को दो, चिड़िया को दाना दो, दिया बत्ती जलाओ। अब ये मैं पी रही हूँ अपना मेरा हमेशा का फेवरेट काढ़ा, जिसमें मेरे शॉर्ट्स में आपको दिखेगा, जिसमें मैं डालती हूँ कच्ची हल्दी, अदरक, काली मिरी। हल्दी के साथ काली मिरी डालना ज़रूरी है क्योंकि हल्दी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता वरना बॉडी में। दालचीनी गुड फॉर हार्ट। तो ये मेरा ऑल इन वन काढ़ा है जो इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, और मैं बहुत बार इसके बारे में बोलती आ रही हूँ अपने वीडियोस में ऑन यूट्यूब। तो आज फ्राइडे है, ऑलमोस्ट कमिंग टू एंड, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, वीकेंड की तरफ जा रहे हैं। और मुझे स्टोरी टाइम जो मेरे नेक्स्ट चैनल पे है, जो मैं हमेशा टैग करती हूँ कि मेन चैनल ये है, संडे को मैं स्टोरी सुनाती हूँ अपनी बॉलीवुड की दास्तान, यानी मैं कैसे बॉलीवुड में आई और किन किन लोगों से मिली और क्या क्या हुआ, वहाँ डिस्कस करती हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से टैग कर दूँगी उस वाले चैनल की आईडी आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो। और आते हैं कल की फिल्म पे, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बहुत मल्टी लेयर्ड चीज़ों को हैंडल किया गया, जनरेशन गैप्स को हैंडल किया गया बहुत फर्स्ट टाइम। आई एम रियली इम्प्रेस, जो स्क्रिप्ट थी, डायलॉग जो खास करके कुछ दिए गए थे आज के ज़माने के लोग, और यू नो वेरी टिपिकल रूढ़ीवादी पंजाबी फैमिली एंड प्रोग्रेसिव एंड कल्चरल एंड क्रिएटिव बंगाली फैमिली। इट वॉज अ कमर्शियल फिल्म पर ऑलमोस्ट बहुत नज़दीक थी रियलिटी के, और बहुत डायलॉग्स की मैं तारीफ करना चाहूँगी, मुझे नहीं पता किसने लिखे, बहुत संभाल के लिखे हैं। और कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे ऐसे लगा रही यार ये तो मैं 90s में बोली थी, जब 90s में आई अटर्ड द सेम लाइन। और मैं एक अच्छा सा नैपकिन ले गई थी क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स से सुना था कि वो बहुत रोए। मे बी टू कनेक्टेड, आई ऑल्सो कनेक्टेड विद द फिल्म। यस माई डॉटर क्राइड अ लॉट, पूरा गीला नैपकिन लेके मैं घर आई। उसके बाद हम गए एक रेस्टोरेंट में, लाइव एक बच्चा गा रहा था, आई शॉट दैट, आई होप कि कॉपीराइट नहीं आई क्योंकि वो तो कवर है, लाइव गा रहा था, क्योंकि टैलेंट को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। कलाकारों का कैसा होता है ना, कभी कभी हमें पैसे भी कम मिल जाए, फिर कोई अगर हमारे लिए देख के ऐसे करे, ऐसे करे, मुस्कुरा दे, ताली बजा दे, रोम रोम में इतनी खुशी उठती है ना, दैट इज़ द साइन ऑफ एन आर्टिस्ट। इसलिए आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी आर्टिस्ट को, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छी शाम थी। बहुत सालों बाद मैं और अमो फिल्म देखने गए थे, लाइक मी एंड हर मींस फैमिली। तो इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल मूवी डेट आई हैड एंड आई होप इट कंटिन्यू, क्योंकि आजकल बच्चे अपने दोस्तों के साथ जाते हैं एक्चुअली। वो फेज आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा कि पहले पहले तो बच्चे हमारे साथ चलते रहते हैं ना, पिक्चर मम्मा ले जाओ ले जाओ, फिर बच्चे ऐसे एज में आते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाने लगते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो और उनके ग्रुप सर्कल्स चेंज होने लगते हैं और माँ बाप कहीं पीछे छूट जाते हैं। हमेशा हर हाल में खुश रहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे ना तो पीपल हैव ह्यूज प्रॉब्लम्स एंड पेन, पता नहीं क्या क्या लोगों को गुजरती है ना। तो वी शुड बी ग्रेटफुल ऑलवेज, वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल।
द बेसिक थिंग यू नो यू शुड बी ग्रेटफुल. आंखें हैं, कान है, जीभ है, टेस्ट है, हाथ है, पैर है, चल रहे हैं, इससे बड़ी ब्लेसिंग इस इंसान को कुछ नहीं हो सकता. फुल पोटेंशियल में हैं हम और पूर्णता से अपनी लाइफ का इस्तेमाल कर सकते, अच्छे तरीके से अपने काम आ सकते, लोगों के भी काम आ सकते. इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ और अगले ब्लॉग तक के लिए आपसे अलविदा होना चाहती हूँ. दूसरा वाला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको मज़ेदार किस्से सुनने मिलेंगे वहाँ. एवरी संडे 4 हो चुके हैं और सुनते जाइए कैसे कैसे मेरा सफ़र हुआ. 3 decades का सफ़र है तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही. चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, लव यू ऑल.